दोस्तों बड़े बड़े हाई प्रोफाइल सर्टिफाइड अकाउंट्स आज ट्विटर पे हैक हो गए हैं। साथ में आपको बताएंगे वीवो X50 सीरीज के दोनों ही स्मार्टफोन आज इंडिया में लॉन्च हो गए और भी ढेर सारी टेक न्यूज पर चर्चा करेंगे आज के एपिसोड में। देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द टेक्निकल चार्जर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं लेकिन जान लेते हैं कल वाले पोल का हाल, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि क्या इंडियन टेलीकॉम कंपनियों में से कोई भी कंपनी ऐसी है जो रिलायंस जियो को आने वाले दिनों में पछाड़ सके। तो दोस्तों 20% लोगों ने तो कहा है कि किसी में दम नहीं है, जबकि 80% लोगों ने बिल्कुल वही बात कही है जो प्रकृति का नियम है कि देर लगेगी लेकिन जरूर पछाड़ सकती हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, आते हैं आज के पोल पर। दोस्तों आज आपको बताना है कि क्या सैमसंग जो एंट्री लेवल और बजट स्मार्टफोन है उसमें वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बनाने में दोस्तों नाकाम हो रहा है, क्योंकि जितने भी लगातार फोन लॉन्च हो रहे हैं उसमें चाइनीज कंपनियों के मुकाबले में या तो प्राइस ज्यादा है या फिर फीचर में कमी है। दोस्तों बताना जवाब अपना मत भूलिएगा। तो आते हैं सबसे पहली न्यूज पर। वीवो ने आज इंडिया में कर दिया है X50 सीरीज के दोनों ही स्मार्टफोन X50 और X50 प्रो को लॉन्च। दोस्तों चाइना में जून में ही ये फोन सीरीज लॉन्च हो चुकी है। पंच होल डिस्प्ले के साथ में मिल रहे हैं पीछे की तरफ क्वाड कैमरा, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर कंपनी ने यूज किया है। 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले मिल रही है। साथ में प्राइस की अगर बात करें तो 34,990 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे X50 के लिए, और X50 प्रो के लिए 49,990 रुपए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। साथ में USP इस सीरीज की यह है कि गिम्बल लाइक आपको फ्रेम स्टेबिलाईजेशन दोस्तों देखने को मिलेगा, यानी कि आप बिना गिम्बल के भी आसानी से इस फोन के साथ में बड़े ही स्टेबिलाईज ढंग से वीडियो और इमेजेस बना सकेंगे। अगली न्यूज़ में दोस्तों वीवो से जुड़ी हुई है। वीवो ने X50 सीरीज के साथ में अपने नए न्यू ट्रू वायरलेस एयरबड भी दोस्तों लॉन्च कर दिए हैं, जो कि एप्पल एयरपॉड की तरह दोस्तों देखने में बिल्कुल डिजाइन लग रही है। 5,990 रुपए की शुरुआती प्राइस है। इसमें आपको बता दूं कि 14.2 mm का ऑडियो ड्राइवर कंपनी ने यूज किया है। साथ में इसमें बैटरी लाइफ आपको 5.5 घंटे तक की मिलेगी सिंगल चार्ज पर। उसके अलावा आप चार्जिंग केस के साथ में 24 घंटे से ज्यादा का बैटरी लाइफ टाइम ले सकते हैं। अगली न्यूज़ है दोस्तों YouTube की तरफ से। लॉकडाउन जब से लगा है दोस्तों दुनिया भर में YouTube क्या साथ में दूसरी OTT एप्स ने जो HD वीडियो स्ट्रीमिंग थी उसको डाउन कर दिया था। फिलहाल YouTube ने इंडिया के अंदर दोबारा से रिज्यूम कर दिया है HD स्ट्रीमिंग, लेकिन ये सिर्फ मोबाइल डेटा पर काम नहीं करेगी। अगर आपको ये HD स्ट्रीमिंग में वीडियो देखना होगा YouTube पर तो आपको किसी वाईफाई के साथ में दोस्तों कनेक्ट होना पड़ेगा। अगली न्यूज़ है दोस्तों, सैमसंग ने अपना नया एंट्री लेवल स्मार्टफोन इंडिया में आज दोस्तों लॉन्च कर दिया है, गैलेक्सी M01S, जिसमें कि मीडियाटेक हीलियो P22 प्रोसेसर मिल रहा है, और जो कि आप जानते ही हैं कि आपको गेमिंग में तो वो मजा नहीं मिल सकता। 3 GB की रैम और 32 GB का इंटरनल स्टोरेज है। डुअल रियर कैमरा है। सामने वाटर ड्रॉप नोच में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। 4,000 mAh की बैटरी और प्राइस इस फोन के जरूर कंपनी ने ज्यादा रखे हैं, 9,999 रुपए, जो कि चाइनीज कंपनियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। देखते हैं कि कस्टमर इस फोन को कैसा रिस्पांस देते हैं। अगली न्यूज़ है दोस्तों, वीवो के सब ब्रांड IQ का नया मिड रेंज स्मार्टफोन IQ UI हो गया है लॉन्च चाइना में, जिसमें कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट कंपनी ने यूज किया है। 6 GB और 8 GB रैम वेरिएंट में फोन लॉन्च होगा। 64 GB 128 GB इंटरनल स्टोरेज के वेरिएंट में, साथ में 4,500 mAh की बैटरी के साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग कंपनी दे रही है। अगर इसके वेरिएंट्स की प्राइस की बात करें तो 12,700 से शुरुआत होकर 17,200 रुपए तक दोस्तों रेंज जाती है। देखते हैं कि इंडिया में कब तक इस फोन को लॉन्च करती है। अगली न्यूज है दोस्तों, बड़े ही सावधानी की, ट्विटर आज हैक हो गया है और इस पर हैक हुए हैं उन हाई प्रोफाइल लोगों के अकाउंट जो दोस्तों लोगों के गॉडफादर होते हैं, जैसे कि एलन मस्क, एप्पल, बिल गेट्स या फिर बराक ओबामा। ऐसे लोगों के अकाउंट आज हैक हुए और हैक होने के पीछे की वजह क्या है दोस्तों, बिटकॉइन स्कैम, यानी कि इनको हैक करने के बाद जो ट्वीट किए गए उसमें लोगों से अपील की गई कि वो अपने बिटकॉइन को डोनेट कर दें। बाकी जांच जारी है। ट्विटर पे अगर आपका भी अकाउंट है तो दोस्तों उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें, उसकी जो ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन है उसको भी आप अपने टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहें। अगली न्यूज़ है दोस्तों, सैमसंग से जुड़ी हुई। रिपोर्ट सामने आ रही है कि सैमसंग अगले साल 2021 में जो ए सीरीज का फोन लॉन्च करेगा उसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज करने जा रहा है। अब देखना यह है कि ये कौन सा फोन होता है ए सीरीज का जो कि इस टेक्नोलॉजी के साथ में आता है और इस टेक्नोलॉजी से कितना बेनिफिट हम लोग उठा पाते हैं। अगली न्यूज़ भी दोस्तों सैमसंग से जुड़ी हुई है। सैमसंग इंडिया में एक और अपना नया फोन
लॉन्च करने जा रहा है किफायती रेंज में, जो कि होगा गैलेक्सी M31s स्मार्टफोन, जो कि जुलाई के लास्ट वीक में संभवतः लॉन्च हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। कंफर्म दोस्तों अभी नहीं हुआ है, और सेल इसकी अमेजोन पर अगस्त के पहले हफ्ते में मिल जाएगी। एक्सोनोस 9611 चिपसेट इसमें यूज किया है, 6 GB की रैम है, और बैटरी दोस्तों बड़ी यानी कि 6000 mAh की मिल रही है। बाकी देखते हैं कि कंपनी प्राइस क्या इस फोन के रखती है और कब तक ये मार्केट में आ पाता है। और लास्ट न्यूज है दोस्तों मोटोरोला के एक और नए बजट स्मार्टफोन को लेके, E7, मोटो E7 का दोस्तों इमेज हो गई है लीक, और साथ में हैंड्स ऑन वीडियो भी दोस्तों लीक हो चुका है ऑनलाइन, जो कि काफी वायरल हो रहा है। फोन के अगर डिजाइन की बात करें तो डुअल कैमरा मिल रहा है, जिसमें कि प्राइमरी सेंसर आपको अलग एक सर्किल में मिलेगा, बाकी एलईडी फ्लैश के साथ में आपका सेकेंडरी कैमरा सेंसर यूज किया है। उसके नीचे रियर माउंट आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा। सामने की बात करें तो वाटर ड्रॉप नोच में सेल्फी कैमरा मिलेगा। उसके अलावा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 एसओसी इसमें कंपनी यूज कर रही है। बैटरी कितनी है और क्या प्राइस रहेगी, कब तक ये फोन लॉन्च होता है दोस्तों, इन सभी डिटेल्स का इंतजार रहेगा और जैसे ही आएंगे आप तक पहुंचा दी जाएंगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही, और भी ढेर सारी टेक्नोज अपडेट्स के लिए हमारे वेबसाइट www.technostar.in को विजिट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी भी नहीं कर, घंटे को दबा दीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान से नवाज।